नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं आपके साथ आर्या चतुर्वेदी। इस समय हम मौजूद हैं लोधी गार्डन में। तो यहां पे हम बात करेंगे लोगों से कि कल जिस हिसाब से निर्मला सीतारमण ने अपना बजट पेश किया, उस पे जनता का क्या कहना है। चलिए हम बात करते हैं, हमारे साथ कुछ लोग हैं तो इनसे जानते हैं कि कल बजट पेश हुआ उस पर लेकर इनकी राय क्या है। मैम, कल बजट जिस हिसाब से पेश हुआ था, आपको निर्मला सीतारमण से कितनी उम्मीद हुई और बजट के बाद आपको क्या लगता है? निर्मला सीतारमण जी से तो हमें बहुत उम्मीद है और उन्होंने बहुत अच्छे से बजट पेश भी किया है। तो टैक्स स्लैब में थोड़ा सा फ़र्क करते तो कमी करते तो मतलब बढ़ाते उसको टैक्स स्लैब को, तो उसमें ज़्यादा हमें अच्छा लगता क्योंकि हम सर नौकरी करते हैं ना। अच्छा। तो इसलिए 5 लाख तक तो उन्होंने ठीक किया है, लेकिन मेरे ख्याल से 10 लाख तक का करना चाहिए था। हाँ, मिनिमम। हाँ, अच्छा, सबसे बड़ी चीज़ होती है औरतों का गहना, तो उसको सोना, वो तो महंगे कर दिया इन लोगों ने, फिर इस पे आपके क्या कहना, मतलब महंगा हो गया, आप कैसा चाहती थी? लेडीज़ के लिए बहुत थोड़ा सा मतलब डिसअपॉइंटिंग होगा कि नहीं ले पा रही हैं गहने ना, महंगा होने से ज़्यादा नहीं खरीद पाएंगी। तो लेकिन वही है कि लोग इन्वेस्टमेंट थोड़ा धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट में इस तरह से कुछ करके कुछ ना कुछ तो करेंगे अपना पूरा करने के लिए। चलिए, हमारे साथ और अंकल मौजूद हैं, इनसे भी पूछते हैं। अंकल, आपका क्या कहना है, कल जिस हिसाब से बजट पेश हुआ उसके बाद आप क्या कहना है आपका? नहीं, बजट तो बहुत बढ़िया था, थोड़ा सा मिडिल क्लास वालों के लिए थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड था, सिर्फ इसलिए कि थोड़ा स्लैब उसका इनकम टैक्स का स्लैब बढ़ना चाहिए था। और जो कुछ भी करता है आदमी अपनी आमदनी का जो भी खर्च करता है उसमें इनकम टैक्स अगर दे देगा तो फिर थोड़ा दिक्कत हो जाती है उनके आपस में। बाकी तो सब कुछ ठीक है, और थोड़ा बेरोजगार लोगों के लिए बारे में भी सोचना चाहिए था गवर्नमेंट को। और इतनी वैकेंसीज पड़ी हैं गवर्नमेंट ऑफिसेज में है सब जगह, लेकिन उनको फिलअप नहीं किया जा रहा है। लगभग 50% स्टाफ कम है इस समय गवर्नमेंट ऑफिस में। बाकी तो बहुत अच्छा रहा बजट, थोड़ा सा पेट्रोल और डीजल का रेट थोड़ा बढ़ गया है, लेकिन अगर इससे गवर्नमेंट से क्या कहते हैं बजट से, ये पहला बजट है जिसमें विदाउट आंकड़े की बजट पेश किया गया, इस बार आंकड़े भी नहीं बताए गए। नहीं, आंकड़ों से तो कोई खास फर्क पड़ता नहीं है, आंकड़े तो सिर्फ एक पेपर वर्क होता है, लेकिन जो एक्चुअल चीज़ है वो लोगों की उसमें वो देखना चाहिए कि इसमें लोगों का फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसका विपक्ष का कहना है सर कि ये जो पहला बजट पेश हुआ था उसी का सेम टू सेम पेश कर दिया गया, कुछ चेंजेस नहीं आए। नहीं, ऐसा नहीं है, बजट में तो फ़र्क है। और ये जो गरीब लोगों के लिए उन्होंने किया है कि हर घर में रसोई के लिए वो चूल्हा होना चाहिए, ये चीज़ें ये तो पहले से बहुत पहले से हो जानी चाहिए थी, लेकिन अब उनके बारे में सोचा गया है। सड़कों का जाल बिछा दिया गया है और ये चीज़ें प्रोग्रेस के लिए बहुत बढ़िया काम करती हैं। भले ही पेट्रोल थोड़ी देर के लिए बढ़ा है, लेकिन जिस तरह इन्होंने सड़कों के लिए पैसा दिया है और उनके लिए दिया है, इससे प्रोग्रेस तो होगी। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि कल जिस हिसाब से निर्मला सीतारमण ने अपना बजट पेश किया उसको लेकर इन लोगों का क्या कहना है? बजट इस बार काफ़ी अच्छा रहा है, ज़्यादा उम्मीदें नहीं थी क्योंकि ऑलरेडी इंटरिम बजट में काफ़ी छूटें दे दी गई थी। आम आदमी को इस बजट में कोई राहत नहीं मिली और ना कोई उम्मीद थी। बट MSME के लिए जो 250 करोड़ से बढ़ा के टर्नओवर 400 करोड़ करी गई है, अच्छा कदम है। 5% का उनको टैक्स के लिए डायरेक्ट बेनिफिट मिलता है। कैशलेस कंट्री को बनाने के लिए 1 करोड़ तक का 2% जो TDS करा है, 1 करोड़ से ऊपर जो 2.5% करा है, वो भी एक अच्छा कदम है। ओवरऑल बजट को मैं 8 नंबर देता हूँ। तो इन्होंने ओवरऑल बजट को 8 नंबर दिए। हम आपसे बात कर लेते हैं कि आप कितने नंबर देना चाहेंगी? मैं तो, मुझे बहुत ज़्यादा बजट के बारे में पता नहीं है, पर कल उन्होंने बोला कि काफ़ी सारे घर बनाएंगे और डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो ये भी अच्छा कदम है। एक क्योंकि अच्छा कदम है और रुपए तक के जो भी हाउसिंग, हाँ, तो उसमें भी बिल्कुल, तो हाउसिंग लोन पे तो काफ़ी राहत है। लेकिन युवाओं को लेकर जो ये बुक्स वगैरह महंगे की गई, ये बच्चों के लिए, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं मैटर करती है ना? नहीं, पर गवर्नमेंट कहाँ से पैसा लाएगी? अगर गवर्नमेंट को गरीब लोगों के लिए कोई हेल्प करनी है तो उसको भी तो पैसा भी तो इकट्ठा करना है ना। तो पैसा इकट्ठा करने के लिए वो कुछ तो छोटे छोटे कदम तो उठा ही सकती है, नहीं तो बाहर से कंट्री से लोन लेगी, बाहर से लोन लेगी तो फिर और नीचे सब्सिडाइज जाएगी कंट्री। लेकिन तो जो निचले तबके के लोग होते हैं, जो एकदम मिडिल से भी लो क्लास के लोग होते हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं अपने बच्चों को पढ़ाना महंगा पड़ जाएगा। ये कंट्री नीचे के लोगों के लिए नहीं है, जहाँ पर केजरीवाल जैसे CM बने रहते हैं, जो बिजली फ्री में देते हैं, पानी फ्री में देते हैं, आखिर ये पैसा फ्री में कहाँ से आता है? कोई पार्टी फंड से नहीं आता, हम लोग टैक्स पेयर हैं, हम लोगों से इकट्ठा करके वो नीचे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सारी वोटों की राजनीति है। अगर कोई सरकार ये कहे कि हम ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर सप्लाई कर देंगे तो बात समझ में आती है, फ्री में कहाँ से दे देंगे? और नीचे के लोगों को तो हर चीज़ फ्री के अंदर चाहिए, बिकॉज उनको वोट चाहिए।
तो अब और लोगों से बात करते हैं, कल बजट पेश हुआ था उस पर लेकर आपको क्या कहना है, क्या मतलब क्या चीज़ें सस्ती हुई और जो चीज़ें महंगी हुई वो आपके लिए कैसी रहीं? ठीक था बजट कल का, एक बीइंग अ लेडी उन्होंने लेडी का भी ध्यान रखा, लेडीज़ को काफ़ी दी हैं फैसिलिटीज़ की, और बजट ठीक था, बैलेंस्ड बजट था। हाँ, बट गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए कुछ नहीं था उसमें, इनके लिए तो बैलेंस बजट था। लेकिन इसके अलावा अगर बात करें महिलाओं के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है गहना, तो ये सोना ही महंगा हो गया, सोना उन्होंने महंगा कर दिया है कि ये क्या कहना चाहेंगे, बट बाकी और देने के लिए फैसिलिटीज़ तो उसके लिए सोना महंगा कर दिया, तो इट्स ओके। चलिए आइए और लोगों से बात करते हैं हम, हमारे साथ एक अंकल मौजूद हैं। अंकल, कल बजट पेश हुआ उस पर आपका क्या कहना है, किस हिसाब से क्या उम्मीदें थी निर्मला सीतारमण से और किस हिसाब से बजट आया है? कोई खास नहीं है, जनरल है, वैसे भी बजट का कोई इम्पैक्ट मैंने देखा है पिछले 10 सालों से कोई होता नहीं है, इसलिए जो भी आया वो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये डीजल पेट्रोल पर भी 1 रुपये बढ़ गया है, इस पर इसको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए वो 2-2.5 रुपये बढ़ा दिया है शायद, 1 रुपये बढ़ा दिया है, और उसके बाद जो जनरल कंपनी जो डेली बढ़ाती है वो तो बढ़ता ही है, तो इसलिए मतलब आप ये समझिए कि पेट्रोल या कुछ भी हो, क्योंकि अब इनको 5 साल मिल गए हैं, तो 4 साल तो ये ऐसे ही चलेगा, सब कुछ बढ़ेगा, 1 साल का उसे शायद थोड़ा डाउन हो जाए, मुझे ऐसे लगता है। तो खास अंकल ने बोला है कि इनको बजट से लेकर खास कोई फ़र्क नहीं पड़ता। निर्मला सीतारमण ने अपना बजट पेश किया, उसको लेकर आपकी क्या उम्मीदें थी और किस हिसाब से बजट आया है? उम्मीदें तो बहुत थी, पर उन्होंने तो सिर्फ प्रधानमंत्री का गुणगान किया, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री सड़क योजना, प्रधानमंत्री ये योजना, कुछ काम वाम की बात नहीं करी, पॉलिसी चेंज की कोई नामो निशान नहीं नजर आया। आइए हमारे साथ अंकल मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं कि कल जिस हिसाब से निर्मला सीतारमण ने अपना बजट पेश किया उस पर सर आपका क्या कहना है? इसमें मिडिल क्लास वगैरह के लिए तो कुछ किया नहीं है, और बजट जो हुआ है इसमें तो हमें कोई, ये हमेशा ही चला आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, जो रिटायर्ड लोग हैं और जो सर्विस वो सर्विस करते रहते हैं, 60 साल तक सर्विस करते हैं, उसके टैक्स देते रहते हैं, उसके बाद जो पेंशन मिलती है उस पर फिर टैक्स काट लेते हैं, कम से कम उसमें तो रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। तो आप इस बजट से खुश नहीं है? नहीं, हम इस बजट से खुश, लेकिन ये जो होम लोन का लेके किया गया है उसके बाद काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिस पर काफ़ी सारी चीज़ें छूट दी गई हैं, उस पर आपको? नहीं, जो होम लोन में इन्होंने वो किया है उसमें तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, होम लोन कितने लोग मकान लेते हैं, सबके ऑलमोस्ट होते ही है मकान, तो उसमें तो कोई ऐसा बड़ी बात नहीं है। सर आपसे पूछना चाहेंगे कि डीजल पेट्रोल को लेकर फिर से बढ़ा, मतलब उसके पैसे फिर से बढ़ाए गए हैं? देखो, जो डीजल और पेट्रोल के जो पैसे बढ़ते हैं ना, वो गवर्नमेंट के हाथ में होती है, गवर्नमेंट जब चाहे बढ़ा देती है, जब चाहे घटा देती है, और आजकल साधन इस ढंग से हो गए हैं कि डीजल लेना ही लेना है। आज आप देखते हैं कि भाई कारें जो है 21 लोगों के पास होती है, आज जगह ही नहीं कार रखने की, आपको पता होगा कि भाई ये कार रखने में कई जगह तो मर्डर केस हो गई है ना, तो है पार्किंग की समस्या है, लेकिन ये है कि डीजल जितना बढ़ेगा लोग महंगाई बढ़ेगी, और लोग जो है डीजल पे ही या पेट्रोल पे ही सारी उसकी धुरी है महंगाई की, पेट्रोल। अब हम कहीं सब्ज़ी लेने जाते हैं जो आज 30 रुपये आज कल 40 हो जाए, क्या करें जी, डीजल के दाम बढ़ गए, तो इस हिसाब से ऐसा है कि हमें नहीं बढ़ना चाहिए। और भाई देखो ठीक है, लेकिन यह कि जो बजट जो बढ़ता है घटता है हमेशा पिसता है मिडिल ग्रुप आदमी, क्योंकि ना तो वो ऊपर बड़े लोगों की वो पे जा सकता है, और नीचे जो छोटे तबके होते हैं उनके साथ भी नहीं है, क्योंकि वहाँ अपनी बेइज्जती महसूस करता है, तो सफरर वही रहता है। बजट विशेषज्ञों का कहना है कि इस बार मिडिल क्लास जो लोग हैं उनको काफ़ी सारी चीज़ें, मतलब काफ़ी राहत मिली है इस बजट से। तो है, अब थोड़ा माफ़ी चाहता हूँ, मैंने ना तो कल न्यूज़ सुन पाया और ना फिर अब पेपर पढ़ पाए, तो बजट के बारे में मेरे को पूरा अभी वो नहीं है कि अच्छा, हम आपको बता देते हैं कि काफ़ी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें भी सस्ती की गई हैं, तो वो कहीं ना कहीं मिडिल क्लास लोगों के लिए फ़ायदेमंद है। अब इलेक्ट्रॉनिक्स कौन लेता है, क्या इतना वो है? अब दुनिया भर के रेडियो होते थे, है हर एक के घर में होते थे, और लोग दूर दूर से आते थे सुनने, जब होते ही नहीं थे लोगों के पास, आज कौन रख रहा है उन चीज़ों को, कौन घड़ी पहन रहा है, बंद होने जा रहा है,
उसके बाद लोगों के पास अपना मोबाइल हो गए, उस पर सारा कुछ सारा उस पर देख लेते हैं। कौन गाड़ियाँ कौन पहनता है, बहुत कम लोग पहनते हैं, शौक अपना मोबाइल में देखो अपना सारा। इस बजट से आप कितना खुश हैं? जैसे इन्होंने कहा है कि भाई हम खुश नहीं हैं, और जिस हिसाब से इन्होंने कहा है कि भाई जो लोग रिटायर होते हैं उन पे भी टैक्स की इतनी पेंशन वो फ्री करना चाहिए, वो फ्री करना चाहिए क्योंकि वो देता आ रहा है जब से नौकरी लगती है उसकी, और 60 साल की उम्र तक वो टैक्स देता है। देखो सीनियर सिटीजन को मैक्सिमम फैसिलिटी मिलनी चाहिए, क्यों टैक्स देने के बाद कि आज वो स्थिति हो गई है कि बच्चे लोग भी अपने माँ बापों की सेवा करना या उनको सोचते हैं कि इनको भी कहीं आश्रम में डाल के आ जाए, और लोग डालते हैं, कई लोग छोड़ जाते हैं, कई लोग विदेशों में हैं, ये प्रॉपर्टी के चक्कर में यहाँ आकर के अपना बेच कर माँ बापों को एयरपोर्ट पे छोड़ के अच्छा अभी आते हैं और चले जाते हैं। तो इस हिसाब से बुज़ुर्ग लोगों को गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, उनको मैक्सिमम फैसिलिटी प्रोवाइड करनी चाहिए। तो हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं कि कल जैसे निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया, इससे आप कितना खुश हैं? मैडम बजट तो ठीक ही था, लेकिन हमें उम्मीद थी कि शायद ये कुछ टैक्स में कुछ वो करेंगे, वो पुराना रेट रखा है इन्होंने, पुराना रेट रखा। हाँ हाँ, एक तो ये, दूसरा पॉइंट में इन्होंने एजुकेशन के लिए इतना खास कोई जैसे लेडीज़ के लोन उन फैसिलिटीज़ वगैरह बढ़ानी चाहिए, बच्चे बाहर जाए पढ़ने को पढ़ना चाहिए, और हेल्थ पे और ज़्यादा हेल्थ पे ज़्यादा खर्च करना चाहिए था, और डिफेंस में भी थोड़ा बजट बढ़ाना चाहिए था इनको, क्योंकि डिफेंस में हमारी और प्रॉब्लम भी है, इंसर्जेंसी वगैरह उस तरह की, ये होना चाहिए था। यूज़ करने वाली काफ़ी सारी चीज़ें जैसे बच्चों के लिए बुक्स वगैरह है, और महिलाओं के लिए गहने, ये और डीजल पेट्रोल, ये सारी चीज़ें तो महंगी कर दी हैं। अब महंगी तो हुई है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसमें इकोनॉमी को फ़र्क पड़ेगा, मेरा मानना ये है कि लॉन्ग टर्म में इकोनॉमी फ़र्क पड़ेगा, इकोनॉमी बूस्ट होगी हमारी, लेकिन वैसे तो गरीबों के लिए अच्छा किया, कई स्कीम लाए हैं मजदूरों के लिए, उसके लिए तो अच्छा किया उन्होंने, लेकिन आम आदमी जो है ना सैलरी एम्प्लॉयज इतने खुश नहीं है, गवर्नमेंट सर्वेंट जो सैलरी पर जो सैलरी रहती है, जिनको पेंशन मिलती है, प्लस हमें उम्मीद थी कि पेंशन में शायद ये टैक्स हटाएंगे, वो नहीं हटाया, बहुत उम्मीद थी, और कई फेडरेशन की रिप्रेजेंटेशन भी की थी कि जो टैक्स अर्न करते हैं उसमें टैक्स नहीं, जो पेंशन अर्न करते टैक्स नहीं लगना चाहिए, तो वो भी हमारी उम्मीद पूरी नहीं। ऐसे ओवरऑल बजट जो है ना ठीक है मेरे हिसाब से, क्योंकि लॉन्ग टर्म प्लानिंग है उनकी, और फ्यूचर में इसकी डेवलपमेंट होगी और हमारा इकोनॉमी तरक्की करेगी। कि कई लोग इस बजट को लेकर खुश हैं तो कई लोग नाखुश भी हैं। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। लगातार देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों से रूबरू होने के लिए बने रहिए हमारे साथ, और देखते रहिए सिटी पोस्ट। कि आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सलूशन पा सकते हैं साउथ केयर मोबाइल ऐप के द्वारा। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं, हमारे फोन नंबर्स हैं 9472981111, 9472982222। साउथ केयर ऐप, सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स।